नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जो भी दर्शक हों, महिला या पुरुष, आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप उस पर चिंतन के साथ साथ मंथन भी कीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर हम बात करते हैं और बात की जाती है कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए। आप ध्यान से सोचिए और मुझे ये बताइए कि ये सशक्तिकरण हम किससे मांग रहे हैं। पहले तो हमें ये मानना होगा कि हम जब किसी से मांगते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा बलवान है, धनवान है, शक्तिमान है। बस फिर सोचिए, महिला सशक्तिकरण की जब बात महिलाएं कर रही हैं तो वो ये सशक्तिकरण किससे चाहती हैं? पुरुष से? बिल्कुल। तो पुरुष को एक ऊंचे दर्जे पर आपने स्वयं रखा है, फिर आपको क्या एतराज है? पुरुष को सम्मान देने में, पुरुष को वो विश्वास देने में, और अगर है तो फिर सोचिए कि क्या आप ये सशक्तिकरण की मांग रखेंगे? ये मांगेंगे पुरुष से कि हमें सशक्तिकरण चाहिए, हम शक्तिवान नहीं हैं, हमारे पास शक्तियों की कमी है, आप हमें सशक्त कीजिए? मेरे ख्याल से नहीं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। महिला अपने आप में सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्तियों से भरपूर है। महिला के पास सारी शक्तियां हैं। जितनी भी शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन समस्त शक्तियों की दात्री है महिला। महिला ही जन्म देती है पुरुष को। मानते हैं ना आप ये सब? जी हाँ, पुरुष हमारी कोख से जन्म लेता है एक बेटे के रूप में, और उस बेटे को संस्कारों से पूर्ण रूप से भरती हैं हम महिलाएं। इस बार का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जानते हैं क्या है? चूज टू चैलेंज। आपको खुद चूज करना है चुनौती को। ये कौन सी चुनौती है? ये मांगने की चुनौती नहीं है कि आप मांगेंगे कुछ। नहीं, आपको अपनी शक्तियों को प्रबल बनाना है। कौन सी शक्तियों को? महिला की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जीत सकती हैं, और उनमें से सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की। महिला के पास भरपूर होता है प्रेम। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। सबको, सबको समान रूप से हमें प्यार देना है, चाहे वो हमारे साथ की कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, सबको प्रेम देना है हमको। और ये प्रेम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो प्रेम तत्व की बात कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे अंदर शक्ति है सहन शक्ति। उस शक्ति को हमें बढ़ाना है जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। और भी कई सारी शक्तियां हैं, मुझे लगता है आप मेरे से ज़्यादा
इन शक्तियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। आज अगर समाज में विकृतियां हैं या आसुरी शक्तियां हैं, उसका पहला कारण, आप बुरा मत मानिएगा, हर एक वो माँ है जिसने बेटे को जन्म तो दिया पर बेटे को संस्कार देने में वो पीछे रह गई, क्योंकि उसके अंदर खुद वो संस्कार पूरी तरह निहित नहीं थे। हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे संस्कारों के साथ बड़ा करना है। कन्या पुरुष का सम्मान करेगी, पुरुष स्त्री का सम्मान करेंगे, ये बालक को नन्हे बालक की अवस्था से ही इस तरीके से अगर आप बड़ा करेंगे तो समाज में ये सारे जो भी कुछ क्राइम्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अध्यात्म की तरफ हमें अपने बच्चों को लेकर जाना है, उन्हें बताना है कि जिंदगी है क्या। हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, आखिर क्यों क्यों चाहते हैं हम जेंडर इक्वालिटी? क्या आज तक किसी पुरुष ने कहा कि मैं महिला के कपड़े पहनूंगा? क्या आज तक किसी पुरुष ने कहा कि मैं चूड़ियां पहनूंगा, कि मैं पायल पहनूंगा? नहीं, क्योंकि पुरुष ये मानता है कि उसको जैसा परमात्मा ने बनाया है, जैसा वो है, अपने आप में संपूर्ण है। फिर ये महिला की चाहत क्यों कि वो पुरुष के कपड़े पहने, वो चूड़ी बिंदी छोड़े? ये क्या चाहत है, मुझे नहीं समझ आता। स्त्री परमात्मा के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ सुंदरता से भरपूर एक कृति है। आप उस स्त्रीत्व को छोड़कर पुरुष बनना चाहते हैं, पुरुष की समानता करना चाहते हैं, कीजिए। समानता करनी है आपको बुद्धिमत्ता की, समानता करनी है आपको अपने विवेक की। और आज आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे युगों से, हमारे पुराणों से, हमारे बहुत पुराने समय से स्त्रियां बहुत ऊंचा, बहुत महत्वपूर्ण काम करती रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो रही हैं। एक से एक कवयित्री, एक से एक लेखिका, एक से एक निर्णायक, बहुत सारे स्थितियों पर हमारे स्त्रियों ने स्थान प्राप्त किया है, पर उन्होंने मांग नहीं की। उन्होंने अपने स्त्रीत्व को पूरी तरह बनाकर रखा, सम्मान किया खुद स्वयं का। और जब स्त्री खुद का सम्मान करती है तो समाज का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। जेंडर इक्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो फिर मत कहिए ऐसा कि बस में जब आप जाते हैं तो महिला की सीट अलग, मेट्रो में महिला की सीट अलग, ट्रेन में महिला की सीट अलग, कोई पुरुष बैठा है तो आप उसको कहते हैं उठ जाइए। क्या बता रहे हैं आप, क्या समानता है आपके अंदर? रहने दीजिए इन बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा है। समानता करनी है आपको, जरूर कीजिए, जबकि आपको समानता की जरूरत नहीं है। आपका स्थान बहुत ऊंचा है पहले ही पुरुष के हिसाब से, और पुरुष आपको वो सम्मान देता है। एक पिता अपनी बेटी को सम्मान देता है, पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है, और भाई अपनी बहन को सम्मान देता है। आप उस सम्मान के पात्र बनिए। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी सहनशीलता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका वात्सल्य, ये नजर आना चाहिए आपके अंदर। स्त्री के सारे गुण आपके अंदर नजर आने चाहिए और आपको गौरव होना चाहिए अपने ऊपर कि परमात्मा ने आपको इतना सारा कुछ शक्तियों से भरा है। केवल आप ही हैं जो परमात्मा के सृजनात्मक कार्य में उसकी मदद करती हैं। आप एक शिशु को जन्म देने में केवल आप ही सक्षम हैं। ये छोड़िए जेंडर इक्वालिटी, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए
और आज मेरी आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के दिन आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए इस बात का कि क्या हमें मांगना है विमेन एम्पावरमेंट, क्या हमें मांगना है जेंडर इक्वेलिटी। हमारा स्थान बहुत ऊंचा है और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करना है। हमारे बच्चे जिनको हम जन्म देते हैं उन्हें संस्कारों से भरना है, जिससे कि ये समाज, ये देश, ये पूरा विश्व स्वर्ग समान हो जाए। ये केवल एक माँ के ऊपर निर्भर है कि वो अपने बेटे को या बेटी को किन संस्कारों के साथ बड़ा करती है। हम किसी को इसके अलावा दोष नहीं दे सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।